इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, प्लांट किंगडम पार्ट 9। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन करवाना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स का। तो अभी तक हमने बहुत से प्लांट ग्रुप्स की लाइफ साइकिल पढ़ी, हमने ब्रायोफाइटा का केस देखा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, इन सभी प्लांट ग्रुप्स में हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करी। तो स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स, ये टर्म्स तो अभी तक बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुके होंगे आप इन टर्म्स से। क्विक रिवीजन करते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉइड बॉडी होती है और ये मियोसिस से स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड हैं तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होते हैं। और गैमेटोफाइट माइटोसिस से गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता है जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो फिर से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये हमें लाइफ साइकिल में हमने बहुत अच्छी तरह से ये सब चीजें देखी हैं, बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स की जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बात हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि जो स्पोरोफाइट होता है वह डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। इस इन दो बातों पर फोकस करके, तो जिन लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है, उस लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और जिसमें गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और एक केस हमें और देखने को मिलता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी हटकर है। तो वैसे तो हम बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स की लाइफ साइकिल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इस नजरिए से एक बार दोबारा हम उन लाइफ साइकिल्स को क्विकली रिवाइज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि वह लाइफ साइकिल इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। सबसे पहले एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। तो जब हम ये लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी है वह एक स्पोरोफाइट है, यानी कि डिप्लॉइड फेज जो है वह डोमिनेंट है एंजियोस्पर्म्स में। और ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक, ये बहुत ही इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये आपने अंदाजा अभी तक लगा लिया होगा। और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों प्लांट ग्रुप्स में हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। यह लाइफ साइकिल डिटेल में हमने डिस्कस किए है एंजियोस्पर्म वाले प्रेजेंटेशन में। इस डायग्राम की हेल्प से हम यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। यूलोथ्रिक्स एक एल्गी है और यहाँ डायग्राम में देखिए, तो जो मेन प्लांट बॉडी है वह एक गैमेटोफाइट है, यानी कि हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट हमें दिख रहा है। तो मेन प्लांट बॉडी एक गैमेटोफाइट है और ये गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। और क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर होते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। दो आइसोगैमेट्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेंगे। और यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल में जो जाइगोट होता है, यही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल में जाइगोट ही स्पोरोफाइट है और जाइगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस से हैप्लॉइड जू स्पोर्स बनेंगे और ये जू स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनेगा। और यूलोथ्रिक्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये जू स्पोर्स ही बनाएगा, माइटोसिस से जू स्पोर बनाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये जू स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये जू स्पोर्स भी एक गैमेटोफाइट को बनाने के लिए केपेबल हैं। तो इस तरह से जब हम यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो गैमेटोफिटिक फेज जो है, जो हैप्लॉइड फेज है, वह डोमिनेंट है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को निश्चित ही हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। यहाँ हमने ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल दिखाई है और इस लाइफ साइकिल को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ब्रायोफाइट वाले प्रेजेंटेशन में। तो ब्रीफ में इसको रिवाइज करेंगे। तो ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, जो हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डोमिनेंट फेज होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं और ये स्पोरोफाइट, ये देखिए, ये वैसे तो गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड करते हैं, डिपेंड होते हैं,
लेकिन ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अभी अभी हमने यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल डिस्कस की, तो यूलोथ्रिक्स के केस में जो जाइगोट है वह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ब्रायोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट हैं ये मेन प्लांट बॉडी हैं और इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंडेंट जरूर हैं गैमेटोफाइट पर, लेकिन ये डेवलप्ड स्ट्रक्चर हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। तो जब लाइफ साइकिल में हमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेज ही हमें मल्टी सेलुलर दिखाई दें और डेवलप्ड दिखाई दें, तो ऐसी लाइफ साइकिल को फिर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में, इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज भी हमें दिख रहा है, ये इंडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन जो डिप्लॉइड फेज है, जो स्पोरोफिटिक फेज है, ये भी डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल दिखाई है, तो क्विक रिवीजन करते हैं। तो जो टेरिडोफाइट के केस में भी जो स्पोरोफाइट होता है वह मेन प्लांट बॉडी होती है और ये डिप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बनता है, और इन टेरिडोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट होता है ये स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है, ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं होता है। तो इस केस में भी हमें टेरिडोफाइट के केस में भी वही देखने को मिल रहा है कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों स्ट्रक्चर्स मल्टी सेलुलर हैं, तो ऐसी लाइफ साइकिल को भी फिर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो बातें हमने डिस्कस की हैं वह सारी बातें यहाँ हमने पॉइंट्स में मेंशन कर दी हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें एल्गी में देखने को मिलती है, और ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं, सारी बातें हमने यहाँ समराइज कर दी हैं, इन्हें आप अपने नोट्स और एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती हैं, और जितनी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से रिलेटेड वह सारी बातें हमने यहाँ पॉइंट्स में मेंशन की हैं।